और अब शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी देखिए इस वक्त 41,000 के ऊपर आ चुका है, 126 अंक ऊपर तेजी से रिकवरी यहां पर आई है। तो क्लियरली बैंकिंग शेयर यहां पर लीड कर रहे हैं और उसी वजह से हम देख सकते हैं कि निफ्टी भी देखिए निश्चित तौर से अच्छा रिकवर इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी शेयर अभी भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एससीएल, टेक विप्रो, सभी में करीब 2 से 4.5% की कमजोरी है और यही दबाव की वजह से निफ्टी इस वक्त प्रेशर में है। लेकिन क्लियरली बैंक्स आज इसमें लीड कर रहे हैं। वजह ये भी है कि बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरह से एक बढ़त हुई है, यूएस 10-ईयर ट्रेजरी यील्ड्स में हमने देखा एक काफ़ी तेज़ बढ़त हुई है और जब इस तरह की बढ़त आती है तो बैंकिंग शेयरों को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होता है। तो उस पर सेंटिमेंट लिहाज से देखिए यहाँ पर आज भारतीय बैंक भी रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आशीष जी, आप कैसे देख रहे हैं बैंक निफ्टी में ये जो तेज़ी आई है, बैंकों में ये जो तेज़ी दिख रही है, इस कमज़ोर माहौल में भी, कमज़ोर ग्लोबल क्यूज के कारण क्या करना चाहिए इस वक्त बैंकिंग स्पेस में? देखिए, मैं बैंकिंग, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बैंकिंग स्टॉक पे लेके मैं बुलिश हूँ, क्योंकि आपके इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है बैंकिंग स्टॉक। एफआईज के हमेशा से फेवरेट रहे हैं और एफआईज का जो हमने बाइंग के आंकड़े आते हुए देखे हैं तो सबसे पहला पैसा जो लगेगा वो बैंकिंग सेक्टर में ही लगेगा। दूसरी बात है, जो इंडियन बॉन्ड्स का जो बात हो रही है कि वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस का पार्ट बनने वाले हैं, तो जो बॉन्ड का जो सबसे बड़े होल्डर हैं वो बैंक ही हैं और उसके कारण से जो उनका ट्रेजरी में गेन्स आएंगे अगले 6 महीने में वो काफ़ी फिनोमिनल गेन्स आने वाले हैं। मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल सिलेक्टिव होकर अपने बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ बाइंग करना चाहिए, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर में। और मेरा मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI ये दो बैंक है जो PSU सेक्टर में मुझे पसंद है। बिल्कुल, तो ये राय आपको बैंक निफ्टी में दी गई है और अच्छे बैंकों में यहाँ पर बने रहने की राय अगर अभी भी आपके पास है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। चलिए अब एक और ब्रेकिंग, आशीष जी, अगर फंडामेंटल लिहाज से देखें तो सेंट्रल बैंक कैसा लग रहा है आपको? आज 2% के ऊपर कारोबार कर रहा है, जल्द ही PCA पाबंदी भी हट जाएगी, उसके बाद सेंट्रल बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आशीष जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। जी, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जो PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसमें मैं काफ़ी बुलिश हूँ और ये सेंट्रल बैंक में भी यदि PSU शेयर ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसा हमने दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स में देखा, जैसे जैसे PCA से बाहर आए तो वहाँ पर बाइंग दोबारा देखने को मिली है। तो सेंट्रल बैंक भी बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक है और बिल्कुल अपने जो पोर्टफोलियो में एक छोटा सा हिस्सा सेंट्रल बैंक को भी देना चाहिए। ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो में आप सेंट्रल बैंक को भी शामिल कर लेते हैं। देखिए, जब ये खबर आई तो स्टॉक में अच्छी मजबूती भी है, 2.5% की मजबूती के साथ सेंट्रल बैंक आज कारोबार कर रहा है।